आप ये तस्वीरें देखकर सोच रहे होंगे कि ये भीड़ किसी महिला सरपंच व किसी अन्य चुनाव में उठी महिला के लिए होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ, ये भीड़ किसी महिला सरपंच उम्मीदवार के लिए नहीं बल्कि गवर्नमेंट स्कूल से प्यून की पोस्ट से रिटायर हुई महिला के लिए है। दरअसल मामला ये है, सोमवार 31 अक्टूबर को 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला श्रीमती धनपति देवी चरकी दादरी के गोठड़ा गाँव के गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर हुई, तब उनके विदाई समारोह में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई। साथ ही अध्यापकों के द्वारा बताया गया कि श्रीमती धनपति देवी पिछले कई वर्षों से इस स्कूल व बच्चों से जुड़ी हुई हैं। वो बच्चों की देखरेख पर पूरा ध्यान देती थी तथा वो इस स्कूल का ध्यान अपने घर की तरह रखती थी, इसलिए उनके विदाई समारोह में सैकड़ों की संख्या में पुरुष व महिलाएं पहुंची और उनको अनेकों उपहार देकर डीजे के साथ घर के लिए रवाना किया। चरखी दादरी के गोठड़ा गाँव से बोली की रिपोर्ट, आप देख रहे हैं दी एक्सप्रेस। लड़का हमारे से हमारा यहाँ से स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन फिर भी इनके मन के भावों को देखते हुए, इनकी सहृदयता, इनके सहयोग को और मिलनसार जो प्रवृत्ति है इनको देखते हुए हम भी इनके विदाई समारोह में शामिल हुए हैं। रोहतक से कोई, दादरी से कोई, भिवानी से आए हुए अध्यापक साथी, इन सभी का भी हम अभिनंदन करते हैं। विद्यालय से या हमारे बीच से निवृत्त नहीं है, समय समय पर आकर के विद्यालय को संभालती रहे हैं और हमारा भी कुछ मान लो इनका जो अनुभव है मार्गदर्शन करती रहे, ऐसा हम आग्रह करते हैं। और इस क्षण में भावुक हो जाते हैं क्योंकि इतने लंबा समय एक साथ रहने से मन में भावुकता स्वाभाविक है, तो हम ये कहेंगे कि अपने हृदय पर इनको सहन करने की शक्ति दें और इन दो स्वस्थ शरीर ने अपनी जो परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उनका बखूबी निर्वहन करें। श्रीमती जी, श्री जैक्सन जी, रतन सिंह जी, नानक चंद जी, सतीश जी, केला सिंह जी, साइंस मिस्टर ज्योति जी, वैसे मिस्टर संतोष देव जी, गांव से आए सभी मेरे बुजुर्ग व परिवार के सभी सदस्य, आपके पधारने पर आपका स्वागत है। मैं यहां 1 सितंबर 2022 को आया हूं। विगत 2 महीनों से मैंने देखा है कि धनपति जी अपने काम के प्रति लगन, सुबह हमारे आने से पहले स्कूल को खोलना, वह साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना इनका नियति में शुमार है। आज ये सेवानिवृत्त हो रही हैं, इनकी सर्विस 34 साल 9 महीने और 13 दिन की। आज सेवानिवृत्त तो हमें इस बात की खुशी भी है, बिरंग लाख लवेट के लिए सेवानिवृत्त हो रही है, और दुख भी है कि आज ये हमसे बिछड़ रहे हैं। एक परिवार से अपना दूसरा धर्म है, घर का जो कार्य है उसको संभालेगी, हम आशा करते हैं वो पारी भी इनकी इतनी महत्वपूर्ण रहेगी जितनी ये रही है। आज के टाइम में सही से रिटायरमेंट लेना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अभी जो शिक्षा विभाग में अन्य विभाग में चल रहा है, काम का दबाव इतना है, लोग बाग बीआरएस तक ले रहे हैं, तो इन्होंने जो अपने काम के प्रति सजगता दिखाई उसका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। रही घर की बात, इन्होंने स्टाफ सदस्यों ने मेरे को बताया कि अल्पायु में ही इन पर दुखों का पार टूटा और उस मुसीबत का सामना करते हुए इन्होंने सर्विस भी की
और घर को भी संभाला। ये एक मेहनत का इंसान की काबिलियत दर्शाती है। हमारा इनका लगाव है, वो थोड़े ही दिन का रहा, इस बात का हमें गंज है। कुछ दिन और रहते तो और पता चलता है इनके बारे में, सिर्फ 2 महीने रहे हैं। उस 2 महीने में ही इन्होंने सुबह आते ही सबसे पहले यही मिलते थे, इतना लगाव हो गया था तो आज जो बिछड़ रहे हैं वो कष्टदायी है। इनसे निवेदन है अब ये टाइम टू टाइम हमें संभालते रहेंगे। शकुर का भी एक गांव वासी होने के प्रति, एक अपना शकुर होने के प्रति, ये अब जैसे संभालते हैं वैसे ही जब तक रेगुलर कोई नहीं आ जाता संभालते रहेंगे, जैसी आशा करते हैं। एक बार फिर मैं इनका धन्यवाद करते हुए इनको आने वाले भविष्य के प्रति धन्यवाद करते हैं।